आकाश एक पहेली। वह देखो आकाश में कितने तारे हैं, सारे चमक रहे हैं। चीनू वह कितना बड़ा तारा है। अरे वह तारा नहीं मंगल ग्रह है। मंगल? लेकिन लगता तो तारे जैसा है। मंगल क्या है? हाँ, मंगल एक ग्रह है। ग्रह? अरे तुम कुछ नहीं जानते। बस मंगल हमारी पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है। पृथ्वी? जिस ग्रह पर हम रहते हैं वह पृथ्वी है। और भी कई ग्रह हैं, कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ऐसे गोल गोल। हाँ हाँ वैसे ही। अब मैं तुम्हें 8 ग्रहों के नाम बताता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी, यही तो हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी। बिल्कुल सही। बस पृथ्वी ही वह ग्रह है जहाँ हम रहते हैं। अब सुनो ग्रह के नाम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। तो क्या वे 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं? हाँ बस, अब तुम ग्रहों के नाम बताओ। क्यों नहीं, तुम गिनते जाना, ठीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद मीनू। एक बात बताओ, क्या सभी ग्रहों पर लोग रहते हैं? अरे नहीं, बस मनुष्य और दूसरे जीव सिर्फ पृथ्वी पर ही रहते हैं। अच्छा, पृथ्वी एक खास ग्रह है। पृथ्वी हमारा ग्रह है। हाँ पृथ्वी हमारा ग्रह है। और क्या तुम जानते हो कि बुध सूर्य की सबसे नजदीक है, और इसी कारण बुध पर बहुत गर्मी पड़ती है। बुध पर बहुत गर्मी है। बिल्कुल ठीक। और वरुण सूर्य से बहुत दूर है। तो ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर यह चांद क्या करता है? चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह कोई ग्रह नहीं है, यह तो बस पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है।
ये सारे गोल गोल कैसे घूमते हैं? मैं बताती हूँ। एक खेल खेलते हैं। मान लो मैं सूर्य हूँ, चीनू तुम पृथ्वी बन जाओ और बस तुम चांद। ठीक है, उदास मत हो राजा, तुम बुध बन जाओ। चलो राजा और चीनू मेरे चक्कर लगाओ। बस तुम मेरा चक्कर लगाओ। मैं क्यों घूमूं? क्योंकि मैं हूँ पृथ्वी और तुम चांद, और चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या बात है, मैं तुम्हारा चक्कर लगाऊंगा पृथ्वी। वाह चीनू, मैं चांद हूँ और मैं पृथ्वी का चक्कर लगा रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने यह भिन भिनाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा तुम बुध हो, बुध सूर्य के बहुत नजदीक है। उफ, वहाँ बहुत गर्मी होती है। देखो हम सौर मंडल की तरह ही हैं। सौर मंडल क्या है? यह सूर्य का परिवार है, सूर्य और 8 ग्रह। सौर मंडल एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें सूर्य और 8 ग्रह हैं। गोल गोल घूमता सौर मंडल। अच्छा बस, क्या तुम्हें पता है कि सारे ग्रह गोल हैं? अपनी पृथ्वी इस गेंद की तरह है। क्या हमारी पृथ्वी गोल है? इस गेंद की तरह गोल है? क्या सारी पृथ्वी पर लोग रहते हैं? अरे नहीं बाबा, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर पानी है, हम स्थल भाग पर रहते हैं। स्थल भाग? हाँ, यह पृथ्वी का स्थल भाग है। इस पर घर है, इसी पर खेत है, और हमारा विद्यालय भी स्थल भाग पर ही है। तो पृथ्वी पर जल और स्थल भाग हैं। हाँ, पृथ्वी के चारों ओर हवा ही हवा है। ये है हवा। मीनू, चीनू को रोको, वह मुझ पर फूंक मार रहा है। चीनू शरारत नहीं, पृथ्वी पर हवा का क्या काम है? बस हम सबको सांस लेने के लिए हवा चाहिए। मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवर, सभी को जीने के लिए हवा चाहिए। हाँ, मुझे भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। चीनू तुम फूंक मत मारो, हवा हर जगह है, मैं हर जगह सांस ले सकता हूँ। वह क्या है? वह एक पहाड़ी है। बस हर जगह स्थल भाग एक सा नहीं होता, कहीं पर समतल होता है। जैसा कि हम जहाँ रहते हैं, हमारा गांव, शहर सब समतल जमीन पर है। समतल? समतल का अर्थ है सपाट जमीन। कुछ जगहों पर पृथ्वी सपाट नहीं होती, कहीं कहीं ऊंची भी होती है। उन पहाड़ों को देखो, कितने ऊंचे हैं। पहाड़? बड़ी पहाड़ियों को पहाड़ या पर्वत कहते हैं।
हाँ, पहाड़ों या पर्वतों पर बहुत ठंड होती है, इसलिए कई फसलें वहाँ नहीं उगती। ओह, पहाड़ों पर बहुत सर्दी पड़ती है और पहाड़ों पर बहुत बर्फ भी होती है। बस, क्या तुम्हें पता है नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं? नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं? वह कैसे? जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है तो वह नदियों के रूप में बहती हैं। अच्छा, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, बर्फ पानी बन जाता है। हाँ, जब नदी बहुत ऊंची जगह से गिरती है तो उसे झरना कहते हैं। हाँ, झरने के पानी में नहाने से बड़ा मजा आता है। हमारी भैंस भी पास के तालाब में मजे से नहाती है। हाँ, झीलों और तालाबों में भी पानी होता है। फिर ये नदी जाती कहाँ है? यह समुद्र में मिल जाती है। ओह, समुद्र काफी बड़ा होता है। हाँ, समुद्र बहुत बड़ा होता है। नदियाँ पहाड़ों से निकलकर समतल भूमि से होकर बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। नदी हमेशा बहती रहती है। दोस्तों, आपको हमारी पृथ्वी कैसी लगी? इसमें हवा, पानी और जमीन है। इसमें नदियाँ, पहाड़, झरने और समुद्र भी हैं। यह गोल और बहुत बड़ी है। यही तो हम सब रहते हैं। हाँ, हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी भी सौर मंडल यानी सूर्य के परिवार का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, आप भी हमारी तरह यह खेल खेलिए, एक बन जाए सूरज और बाकी लोग आठ ग्रह। तुम भी मेरी तरह चांद बन सकते हो। अब आराम से पृथ्वी और सूर्य के चक्कर काटो। आहा, सौर मंडल। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आठ ग्रह। क्या तुम आठों ग्रहों के नाम बता सकते हो? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बृहस्पति शनि। यूरेनस वरुण
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। क्या तुमने चंद्रमा को देखा है? हाँ। पर्वतों पर सर्दी होती है या गर्मी? सर्दी। पर्वतों पर बर्फ पिघलने पर क्या होता है? बर्फ का पानी नदी के रूप में बहता है। नदियां कहाँ जाती है? नदियां समुद्र में मिल जाती है। हवा कहाँ है? यह हमारी चारों ओर है। क्या तुम हवा को देख सकते हो? नहीं। क्या तुमने झरना देखा है? क्या तुम्हें झरने में नहाना पसंद है? अच्छा दोस्तों, अलविदा।